आज की डेट पे सबके पास एक ना एक LIC का पॉलिसी तो ज़रूर है, और अगर आपके पास भी एक LIC का पॉलिसी है और आपने अभी तक उस पॉलिसी में आपका जो पैन नंबर है वो अपडेट नहीं कराया है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपके LIC के पॉलिसी में पैन नंबर अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो अगर आपसे टैक्स डिडक्शन होता है, मतलब कि आप टैक्स के अंदर आते हैं और आपके LIC के पॉलिसी में आपका पैन नंबर अपडेट नहीं है, तो आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स का रिबेट नहीं मिलेगा। तो अभी आपका जो LIC का पॉलिसी है उस पॉलिसी में आपका पैन नंबर अपडेट करा लीजिए। आज के इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा आप घर बैठ के कैसे आपकी पॉलिसी में आपका पैन नंबर को बड़ी ही आसानी से लिंक कर पाएंगे। हेलो गाइज, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू माय चैनल एपेक्सा डॉग। गाइज, आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो LIC का पॉलिसी है उस पॉलिसी में आप कैसे पैन नंबर को ऐड कर पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, LIC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप बड़ी ही आसानी से आपका पैन नंबर आप लिंक कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप खुद से ही आपका पैन नंबर पॉलिसी में अपडेट कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके चलिए देख लेते हैं कैसे LIC के पॉलिसी में पैन नंबर को अपडेट किया जाता है। तो पहले तो आपको आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसे ओपन करके लिखना पड़ेगा पैन लिंक विथ LIC। उसके बाद जो पहला वाला लिंक है उसे ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। तो यहाँ पे पहले है प्रोसीड का ऑप्शन और सेकंड में है चेक पैन लिंक स्टेटस। तो यहाँ पे अगर आपको पैन नंबर लिंक करना है LIC के साथ तो पहले आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो मैं अभी प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके पूरा डिटेल्स भर के पैन नंबर को LIC के साथ लिंक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स भरना पड़ेगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। तो पहले आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ठीक से भरना पड़ेगा, उसके बाद आपका जेंडर, ईमेल आईडी अगर आप देना चाहते हैं, तो फिर आप जो पैन नंबर लिंक करना चाहते हो पैन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, फिर आपका नाम और आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको पहले डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपका जो पॉलिसी के साथ आप आपका पैन नंबर लिंक करना चाहते हो उस पॉलिसी को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको टिक करके यहाँ पे नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है इसे आपको सही से यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स भर के फिर गेट OTP पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपका जो फ़ोन नंबर आपने डाले है उस फ़ोन पे एक OTP आपको रिसीव होगा, वो OTP आपको यहाँ पर सही से एंटर करना पड़ेगा। तो OTP मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो मेरे फ़ोन पे अभी रिसीव हुआ है। तो OTP डाल देने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट फॉर पैन रजिस्ट्रेशन रिसीव योर पैन रिसीव फॉर लिंकिंग टू योर फॉलोइंग LIC पॉलिसी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब मेरा जो पॉलिसी नंबर पे मैं पैन नंबर अपडेट करवाना चाहता हूँ उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका जो LIC का पॉलिसी है उसमें पैन नंबर अपडेट है कि नहीं, तो उसके लिए आपको पहले आपका जो ब्राउज़र है वहाँ पे जो पहला वाला लिंक है उसे फिर से ओपन कर लेना होगा। उसके बाद जो दूसरा वाला ऑप्शन है चेक पैन लिंक स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपका पॉलिसी नंबर डालना होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका पैन नंबर यहाँ पर आपको सही से एंटर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है उसे आपको यहाँ पर सही से एंटर करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। तो आप देख पाएंगे कि आपके जो LIC का पॉलिसी है उसमें आपका पैन नंबर लिंक है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। फिर देखिए यहाँ पे दिखा रहा है योर पैन डिटेल्स आर अवेलेबल इन आवर रिकॉर्ड एज पर इनपुट प्रोवाइडेड फॉर द पॉलिसी नंबर। मतलब अभी मैंने किया है तो वो रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइज आपने देखा आप कितनी आसानी से आपका जो एग्जिस्टिंग LIC की पॉलिसी है उसमें आप आपका पैन नंबर को लिंक कर पाते हैं। गाइज इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। गाइज वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।